हेलो दोस्तों, आपका पिजन से ब्रीडिंग टिप चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई, आज की वीडियो होने वाली है जो हम भाई कबूतरों पर काट देते हैं उनको वापस कैसे लाया जाए। ठीक भाई, बहुत ही भाई आसान तरीका है, आपको पूरा मैं करके दिखाऊंगा। उसके पहले देख ले भाई, दाना मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लॉकडाउन में। गेहूँ खिला रहा हूँ मैं कबूतरों को, गेहूँ मेरे पास क्योंकि काफ़ी रखे हुए हैं। तो भाई, आज हम लोग इस कबूतरी के पर आपको निकाल के दिखाएंगे। अब देखिए, सब मादाओं ने दोस्तों जोड़ा लगा लिया है, क्योंकि मैंने जोड़े तोड़ रखे हैं आपस में। दोस्तों मादाओं ने जोड़ा लगा लिया, देखें देखिए, दो ऊपर लगे हुए हैं, एक ये नीचे लगा हुआ है। चलिए पहले मादा पकड़ लेते, फिर आपको दिखाते हैं पर कैसे वापस लाया जाए। तो भाई, कबूतरी हम लोग ने पकड़ लिए, चलिए आपको दिखाते हैं इसके पर वापस कैसे लाया जाए। तो भाई, आपको इसके पर खोलने हैं आराम से, और जो पर भाई आपने काटा है उसको आराम से पकड़ना है और अपने भाई मुंह से घसीट देना है। ठीक भाई, आराम से बिल्कुल घसीट देना। और भाई घसीटे टाइम आपको ये चेक कर लेना कि कहीं वो खून की कली तो नहीं है। आगे उसके पर हटा के देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा। अगर पर भाई बिल्कुल सूख गया तभी आपको घसीटना है, अगर गीला तो भाई आपको नहीं घसीटना है। गोल गोल भाई बिल्कुल ताज़ा आपको दिखाई देगा। ऐसे भाई फूंक मार के आपको देख लेना है। और भाई अब से 40 दिन के बाद इसके पर भाई पूरे आ जाएंगे। और भाई जब इसके पर आ रहे हो, जब छोटे छोटे आपको दिखने लगे, बाहर आ चुके हैं, भाई आपको इसको जाल के बाहर बिल्कुल नहीं निकालना। अगर वो इधर उधर उड़ के बैठेगी भाई, कलियाँ फटने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर भाई एक बार कली फट गई तो वहाँ से भाई दोबारा पर नहीं निकलता है। और भाई ये देखें, खून की कली जो मैं आपको बता रहा था, ये देखें, ये भाई ताज़ा पर इसका निकल रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, कहीं डैमेज हो गई हल्की, तो भाई पर यहाँ से दोबारा कभी नहीं निकलेगा। चलिए, पूरी खिंच जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई पर पूरी तरह से खींच दी, आपको दिखा देता हूँ एक बार पल्ला इसका खोल के। ये देखें, दूसरी तरफ का आपको दिखा देता हूँ। भाई आपका आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना कि भाई खून की कली आप बिल्कुल मत खींचें। आप अगर फूंक मार के देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। ये भाई सारे पर इसके खींचे गए हैं, ये देखें दोस्तों, 4-4-8 पर हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। और भाई पर आपको खींचने के बाद इसको डाइट भाई थोड़ी अच्छी देनी, चने ने आपको इसको खिलाने डेली, जब तक पर ना आ जाए। ज़्यादा नहीं, 10-15 भी अगर आप डेली लेंगे तब भी इसका काम चल जाएगा। ठीक है, और भाई पर खींचने के बाद थोड़ी सुस्त होकर बैठ जाइए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि भाई खींचते टाइम थोड़ी परेशानी होती है, तभी भाई थोड़ा दर्द होने लगता है, तभी आराम से बैठ जाती है, अगले दिन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर ऐसी वीडियो आप लोग और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।